विश्व की सबसे छोटी हनुमान चालीसा है, वो एक चने के बराबर नहीं, चने से भी छोटी है, 4x4x5 मिलीमीटर प्लस उसमें जो है मैंने हनुमान जी के मुख्य पृष्ठ पे हनुमान जी का पोर्ट्रेट बनाया है, छोटी अच्छा। पेंसिल है सर हाँ। जो कि विश्व की सबसे छोटी है, वो केवल 5 mm लंबी है बस। अच्छा 5 mm लंबी है। वो बनी तो उसके बाद वो गिर के टूट गई, उसको बनाने 15 दिन फिर मुझे और लगे। हाँ। पेंटिंग जो ज्वलंत विषय है हमारे पहाड़ के ना, पलायन पे है, प्राकृतिक आपदा है, आप कम में ही संसाधन में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपके अंदर डिटरमाइन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए इसमें। नमस्ते व्यूअर्स, आप लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम तो सुना ही होगा, और आज हमारे साथ हैं प्रकाश चंद उपाध्याय जी, जो कि मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पैथोलॉजी विभाग में, और इनके नाम पे जो है 8 जो है रिकॉर्ड है, जिसमें अगर हम बात करें, 1 जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 3 लिम्का अवार्ड है, और साथ में इनके और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं। और अगर इनके पुरस्कारों की बात करें तो इनको मातृक पुरस्कार 2004 पिथौरागढ़ मिला हुआ है, नटराज कला रत्न मिला हुआ है, उत्तराखंड आइकन अवार्ड मिला हुआ है, राष्ट्रीय कला रत्न समाज राजस्थान ये भी आपको मिला हुआ है, बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं वो भी यहाँ पे उपाध्याय जी को मिले हुए हैं। तो आज हम यहाँ पर उपाध्याय जी से मिलेंगे। उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ से आपसे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो आपने जो रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं बहुत सूक्ष्म में नहीं, छोटे से बनाए हुए हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने जो बुक लिखी है वो 4 mm की लिखी हुई है, 4 mm अगर हम ऐसे दिखाने बैठे तो वो दिखना नहीं है, वो सर मैग्नीफाई करे बिना नहीं दिखेगा। हाँ, मैग्नीफाई बिना मैग्नीफाई के नहीं दिखेगा। तो आपका जो, जैसे आप तो मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो आपका रुझान कहाँ से आया इस क्षेत्र में? सर, पहले तो मेरा बचपन से पेंटिंग पर रुझान था, ठीक है, जो कि मैं ऐसे उत्तराखंड के अलग या जो भी सब्जेक्ट हुआ करते हैं उस पर पेंटिंग करना मुझे अच्छा लगता था, जो सजीव चित्रण है और आपका जो आपदाएं हैं या जो जो प्राकृतिक हैं विषय हैं सब्जेक्ट, ज्वलंत जो विषय हमारे उत्तराखंड के, उन पर मैं चित्रण करता, पेंटिंग बनाता था। उसके बाद जब मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइनिंग किया तो मेरा वहाँ एज ए पैथोलॉजी आर्टिस्ट का काम है, जो कि मैक्रो काम होता है, स्लाइड बेस्ड काम होता है, जो कि हम स्लाइड में देख के फिर उसके डायग्राम की बड़ी फॉन्ट बोर्ड पर बनाते हैं, जो कि बच्चों के लिए बनाया जाता है, जो कि वो अपने मैनुअल पे बनाते हैं। वहीं से मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा छोटे छोटे काम करने का थोड़ा आइडिया आया, अच्छा, कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए जो कि बहुत छोटा हो, क्योंकि बड़े में तो कॉस्ट ज़्यादा चली जाती है। हाँ, हाँ, और स्पेस भी बहुत लागत हर तरह से आ जाता है, तो छोटा एरिया में थोड़ा काम हो जाता, छोटा काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने छोटे की ओर थोड़ा रुझान किया। अच्छा, वहाँ से आपका आया। तो सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड आपने बनाया था? सबसे पहले सर मैंने जो है विश्व की सबसे छोटी हैंडमेड बुक बनाई, अच्छा, जो 4x4 और 8 mm लंबी है, ठीक है, और उसमें 196 देशों के ध्वज जो है, झंडे, राष्ट्रीय ध्वज, और उनके नाम सहित है वो। अच्छा, वो मतलब चार मिलीमीटर चने के बराबर, करीब दाने के बराबर, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, तो उसको आप मैग्नीफाई लेंस से आप देख पाएंगे, तो उसमें सब 196 देशों के झंडे और उनके नाम सहित बनी है पूरी। अच्छा, और उसकी बाइंडिंग भी हमने खुद की है। अच्छा, पहले बुक बनाई फिर उसकी बाइंडिंग हुई, ठीक है। सर, मैं थोड़ा सा आपसे ना विजुलाइज करना चाह रहा हूँ इन चीजों को, कैसे मतलब दिखता कैसे है, मतलब किस तरीके से आप करेंगे इसको, अगर करना चाहें तो कितना, मतलब जैसे बनाने की शुरुआत कहाँ से करी? 4 mm अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें बहुत छोटा कुछ है जी सर जी, तो वो कैसे करेंगे? वो सर दरअसल है कि टारगेट हमें यहाँ से मिला कि हमें देखा कि कौन सा रिकॉर्ड हमें ब्रेक करना है। अच्छा। उसे बड़ा होगा तो ही, छोटा होगा तो ही हम ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। हाँ। भाई आपका बड़ा था, उसे आपको ब्रेक, आपका रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो हमें उसे आपको छोटी नाप लेनी ही पड़ी, मजबूरी है हमारी, तो हम उसी हिसाब से टारगेट लेके चले कि ये कम से कम इतने में आए, अच्छा, ताकि ये रिकॉर्ड सबमिट हो जाए, ठीक है। आपका रिकॉर्ड अभी भी बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। अच्छा, इंडिया जी 2013 मुझे अटेम्प्ट हुआ था इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अच्छा, अभी भी मतलब ये रिकॉर्ड है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो लोग तो इसमें भी कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छी बात है, हम कहते हैं ब्रेक हो, ठीक है ना, तो और आगे आए कुछ लोग, तो ब्रेक होने के लिए होते, रिकॉर्ड तो ब्रेक होने के लिए है, ठीक है, तो ब्रेक हो, बनते रहे, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा सा यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, बहुत से लोगों को कम पता रहता है यहाँ पे कि भाई रिकॉर्ड कैसे बनाने चाहिए। हम पढ़ते भले ही हैं, ठीक है, कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का रिकॉर्ड, तो पहले हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करेंगे। अगर किसी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है किसी भी क्षेत्र में, तो वो कैसे शुरुआत करें? सबसे पहले शुरुआत तो ऐसे करें सर, गिनीज की साइट में आपको एक लॉगिन आईडी बनानी होती है, ठीक है, जिसमें उनके डैशबोर्ड पर आप अप्लाई करेंगे, वहाँ आपको टाइटल आपको सर्च करने होते हैं, ठीक है, जो भी आप टाइटल आप चाहते हैं वो टाइटल पर आप सर्च करिए, टाइटल पूरे आ जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको अगर जो आप टाइटल चाहते हैं हो सकता है वहाँ हो, उस कंडीशन में आपको उनके लिए $5 पेमेंट करके अपना टाइटल सिलेक्ट करवाना होता है, ठीक है, $5 में, $5 में जी, तो $500 के करीब लगता है टैक्स लगा के, तो उसमें भी श्योर है नहीं कि वो टैक्स आपका टाइटल सिलेक्ट कर ही दे, अप्रूव करे, ठीक है, ये थोड़ा रिस्क रहता है। कोशिश करें कि जो टाइटल पहले से है उनको क्रैक करने की कोशिश करें, तो ज्यादा अच्छा है। उसी में आपका सब उसमें मेल आएगा, बाकी आपका और कहीं आपको आंसर नहीं मिलेगा, वहीं आप अप्लाई करेंगे डैशबोर्ड में, 3 महीने बाद वो लोग अपना
आपको रिप्लाई देंगे। अच्छा, आपको मेल आएगा, आपको भी डैशबोर्ड अंदर ही खोलना है उनके, वहाँ लॉगिन करना है गिनीज की साइड में, ठीक है, वहाँ आपको आपका जो भी आंसर होगा वो आया होगा। अच्छा। फिर जहाँ आपका वो चीज़ सेलेक्ट होगी, फिर आपको उसके एविडेंस देने होते हैं ऑनलाइन। अच्छा, पूरे एविडेंस, उसमें सर्वेयर की रिपोर्ट लगती है, दो विटनेस होते हैं। अच्छा, और भी और नोटरी वगैरह और पूरे एविडेंस देने होते हैं, उनके अपने फॉर्म होते हैं। तो ये कौन अरेंज करवाता है, जो आप विटनेस कह रहे हैं? वो सर, जैसे आपका टाइटल सेलेक्ट हो जाएगा वैसे वही लोग आपको फॉर्म देते हैं। अच्छा, उनकी पूरी गाइडलाइन होती है पूरा, वो है? आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन है। अच्छा। उसका प्रिंट लेके हार्ड कॉपी, फिर आप उसको पूरा भर फिलअप करके, अच्छा, फिर आप ऑनलाइन ही इसको सबमिट करते हैं डैशबोर्ड के थ्रू ही। अच्छा, उसी के तो, और लिम्का रिकॉर्ड में? लिम्का में थोड़ा, लिम्का में भी दरअसल यह है कि उसमें हार्ड कॉपी जाती है। अच्छा। जो उनके मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लोग ऐसा नहीं मिलता, जैसे गिनीज का तो आपको अप्लाई फॉर्म मिल जाता है ऑनलाइन देते, इनसे मांगना होता है, आपको डिमांड करनी होती है कि हमें 24 का या 23 का एप्लीकेशन फॉर्म दे दिए। अच्छा। एडिटर को आप मेल करेंगे, उसके बाद वो आपको फॉर्म देंगे जब टाइटल देखेंगे आपका, उसके बाद उनका एप्लीकेशन फॉर्म है प्लस बिजनेस है और सर्टिफिकेट्स हैं, मेन कवरिंग लेटर है और नोटरी है, ये कुछ और पेपर और फोटो एविडेंस, न्यूज़पेपर की कटिंग, ये सब उन्हें हार्ड कॉपी सीडी वीडियो जो बने सीडी है, ऑन आपका कॉरियर के थ्रू आपको भेजना होता है। अच्छा। और सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी होती है मेल से। अच्छा। लिम्का का थोड़ा, उसके बाद जैसे आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो ये फिर आपके पास सर्टिफिकेट आता होगा। हाँ सर, जैसे हमारा टाइटल सेलेक्ट हो गया और हमारे 3 महीने इसकी प्रोसेसिंग होती है आपका टाइटल, वो लोग सब नॉर्म्स चेक करते हैं, जूरी उनकी देखती, चेक करती पूरे, आपने पूरे नॉर्म्स कड़े हैं पूरे हैं, लंदन में इनका हेड ऑफिस है, तो वहीं से फिर आपको जब आपका मेल अप्रूव हो जाता है तो आपको एक मेल आता है कि आपका ये कैटेगरी सेलेक्ट हो गई है। अच्छा। मेल के थ्रू फिर आपको आपको ये जो आपके एड्रेस हैं, नेम वगैरह चेक करने के लिए पूछा जाता है, उसके बाद आपका एड्रेस मांगा जाता है, उसमें आपको फिर ये ऑनलाइन ही, अच्छा, फिर ये इसका बाई पोस्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे बहुत सही आप लोग बता रहे हैं। अब थोड़ा सा जैसे अभी हमने बात कर रहे थे, आपने हनुमान चालीसा भी लिखी हुई है, तो उसका क्या साइज वगैरह था, उसमें कैसे आपने हनुमान चालीसा लिखी हुई? सर, विश्व की सबसे छोटी हनुमान चालीसा है, वो एक चने के बराबर नहीं, चने से भी छोटी है। अच्छा। 4x4x5 mm। अच्छा, बहुत छोटी है। उसमें पूरी हनुमान चालीसा प्लस उसमें जो है मैंने हनुमान जी के मुख्य पृष्ठ पे हनुमान जी का पोर्ट्रेट भी बनाया है। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो वो आप मैग्नीफाई करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा क्लियर। ठीक है, तो पूरी हनुमान चालीसा उसमें है, उतने छोटे पेज जी, उतने छोटे में, तो वो पढ़ने के लिए फिर आपको, हाँ पढ़, हाँ, एक पेज पे 3 लाइन उसमें आ पाई है। ठीक है, तो उसको आप मैग्नीफाई करेंगे तो आप पूरा पढ़ पाएंगे। ठीक है, वो मेरी यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अच्छा जी सर, ठीक है, तो जब आप इसको बना रहे थे तब भी आपके पास उसमें लिखने के लिए या वो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का ही यूज करते हैं कि फिर कैसे कर पाते हैं? मैग्नीफाई तो करते हैं, थोड़ा एक और लेंस आता छोटा उससे भी छोटा। अच्छा, तो उसको हम यूज करते हैं, उसके अलावा इसके लिए विशेष कलम बनानी होती है, उतनी पेन आती नहीं होती पॉइंट की। ठीक है, माइक्रो में तो खुद ही हमें पेन बनाई उसकी, बहुत हार्ड लकड़ी से, तो ताकि हम बना पाए उसको फोन। अच्छा। जितने पतला हो जाए, सुई से भी पतला, तो जाके फोन लिखे जाते हैं। अच्छा, कोई आप और विशेष यहाँ पे घटना बताना चाहेंगे जो आपने इस दौरान, कोई भी ऐसी जो घटना हो जो लोगों को यहाँ पे जाननी चाहिए? सर दरअसल मेरा एक रिकॉर्ड था, ये जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि एक स्मॉल सिप इन ए बोटल करके टाइटल है, छोटी बोतल के अंदर एक पुराना जो सिप होता है वो हमने फिट किया है। अच्छा। वो करीब 1.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बोतल की टोटल, ठीक है, और 0.5 सेंटीमीटर से करीब मोटाई है, और 0.5 मिलीमीटर करीब उसका गर्दन, उसकी मुंह है बोतल का, तो बहुत टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि उसमें कई बार डिस्ट्रॉय हुआ वो। उससे पहले मैं 15 दिन में बोतल बनाने लगी, बोतल खुद बनाई। अच्छा, बोतल मार्केट में मिलेगी नहीं, छोटी, हाँ, उतनी छोटी नहीं मिलेगी। और वो बनी तो उसके बाद वो गिर के टूट गई। अच्छा, उसको बनाने 15 दिन फिर मुझे और लगे। हाँ, हाँ, पेशेंस बहुत रखना था सर। ठीक है, बहुत पेशेंस, एक मेरा रिकॉर्ड और प्रोसेसिंग में है भी, तो लीक आउट नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो उसमें भी बहुत ही मतलब बहुत परीक्षा से लेती है जी, कोई बिल्कुल इतना आपको पेशेंस, आपको बहुत कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा। पर यह कि अब जुनून है तो उसको रखना है, उसके बाद का देख के आपको करेंगे तो आपको वो सहन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सीखना ही बहुत पड़ा होगा, जैसे आप कह रहे हैं कांच की बोतल आपने खुद ही बनाई है, तो नहीं तो मार्केट में जाके, मार्केट में मिलेगी नहीं सर, कांच की बोतल पहले कैसे लेके आना है, उसको आप गलाते होंगे तभी से बनता होगा, पूरा प्रोसेस जो है लर्निंग जो है, मतलब आपको सीखना ही है पहले, अलग चीज भी आपको, आप अलग चीज भी सीख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काम थोड़ा ऐसा है माइक्रो, तो उसमें थोड़ा फोकस की बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो मतलब यही आपका प्रोफेशन है, जैसे प्रोफेशन में आप बता रहे थे ना, जो आपके स्टूडेंट हैं मेडिकल कॉलेज के, वहाँ पे क्या यूज होता है इस चीज का? उसमें सर माइक्रो में जो जैसे कार्सिनोमा है उसकी स्टेज है, हाँ। तो उनकी जो थर्ड फोर्थ स्टेज है या फर्स्ट सेकेंड स्टेज है, उनके माइक्रोस्कोपिक जो डायग्राम होता है लो या हाई पावर में उसको देखा हो जाता है, तो जो हमें शो होता है उसको हम स्लाइड में बोर्ड पर, आपने वहाँ पे बनाया, फिर आप हाथ से उसको हाथ से बनाएंगे, बोर्ड पर बनाएंगे जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो फैकल्टी पढ़ाएंगे तो वहाँ वो डायग्राम हमें बनाना होता है। अच्छा, वो कलर चौक से। अच्छा, कलर चौक से। हाँ, और हमारे यहाँ इसके अलावा म्यूजियम है जिसमें 2000 से ज्यादा स्पेसिमेन है।
अच्छा पैथोलॉजी म्यूजियम है, तो है। उसमें जो स्पेसिमेन है उसमें जो भी डायग्नोज जो भी डिजीज हुई उसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम बनता है, क्योंकि वहाँ तो आप सोनी होगा वो तो गला सड़ा रहता है, ठीक है, तो आप डायग्राम के थ्रू शो करेंगे पूरे पेशेंट की हिस्ट्री, क्या उसका हिस्ट्री थी, कौन पेशेंट था, क्या इसकी बीमारी डायग्नोज है, तो वो सब एक साइड होती है हिस्ट्री और एक साइड डायग्राम होता है हमारा, अच्छा, ताकि बच्चा एकदम समझ जाए कि हाँ ये डायग्नोज यहाँ ये डिजीज है, ठीक है, ये कार्सिनोमा है या कोई और है, तो ये सब उसमें दिखाया जाता है। अच्छा, और कौन कौन से रिकॉर्ड है सर आपके इसमें? सर रिकॉर्ड इसके अलावा जो एक छोटी पेंसिल है सर, हाँ, जो कि विश्व की सबसे छोटी है, वो केवल 5 mm लंबी है बस। अच्छा, 5 mm लंबी है, 5 mm बस लंबी है, और ठीक है, और मोटाई भी उसकी 0.5 है, यानी कि आधा mm। अच्छा, तो मोटी है, जो निब के बराबर मान, हाँ, निब के अंदर आ जाती है, पेन की निब जो है निब के अंदर, जी निब के अंदर जो 0.5 वाली पेंसिल है उसकी उतनी मोटी है। उसको पकड़ा कैसे जाता है ऐसे ही? उसमें लेके उसी पॉइंट अच्छा, लेके उसी से लेके जो पेंसिल उसके अंदर इंसर्ट करके, ठीक है, तो उससे लिखा जाता है उसमें, वो एक पीस में मैंने उसकी खासियत है। अच्छा, तो सिंगल पीस वही आपने जो है पेंसिल में नॉर्मल ग्रेफाइट का पहले अंदर, वो ग्रेफाइट, हाँ, फिर उसके चारों तरफ आपका जो है वो लगता है, ग्रेफाइट सही बनाया, ग्रेफाइट भी एक है, लकड़ी का पीस भी एक है। अच्छा, ये पेंसिल तो दो पीस में आती है ना, तो हमारा एक है, एक ड्रिल करके एक है। अच्छा, हाँ, वो साउथ इंडिया की असिस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें दर्ज है, ठीक है, उसमें हाँ, आप काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा हम आपके जो आर्टिस्ट नेचर के बारे में जो है उसमें हम लोग जानते हैं कि उसमें आप क्या क्या काम कर रहे हैं इस टाइम पे? सर, आर्ट में थोड़ा मेरा अभी कुछ पेंटिंग जो ज्वलंत विषय है हमारे पहाड़ के ना, पलायन पे है, हाँ, प्राकृतिक आपदा है, और कुछ और भी कुरीतियाँ कुछ भी हैं जो वो सामाजिक बेसन में कोशिश करता हूँ कि वो पेंटिंग के थ्रू बाहर आए और वो व्यक्त किया जाए, बिल्कुल, उस पर थोड़ा काम चल रहा है, ठीक है। सर, जैसे अभी आप यहाँ पे उत्तराखंड में, थोड़ा सा आपके प्रोविंस से अलग हटके हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, जैसे हम पलायन के बारे में बात कर रहे हैं या जो और भी आप कुरीतियों की, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपका गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही आपका लगे हुए हैं, या ये कहें जैसे उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो उस बारे में उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे देखो, कुछ अगर करना है, देखो पैसा तो हर कोई कमा लेता ना, ठीक है, गुजारा हर कोई, पर ये कि आपका जो पैशन है, जो आपका शौक है, कुछ अपना नाम कोई समाज के लिए कुछ, उसके लिए भी हमारे कर्तव्य हैं कि हम समाज को कुछ दे के जाएँ, तो उसी के चलते थोड़ा ऐसा आप कुछ ऐसा इरादा करें कि कुछ हट के कुछ कर जाएँ, और होने करते करते हो जाएगा, थोड़ा सफलता मिलती है हर चीज़, एकदम कोई चीज़ नहीं होती है, उसके पीछे अंधेरे बहुत हैं भाई, आज कोई नाम आ रहा तो उसके सालों की मेहनत है, बिल्कुल है ना, तो हम 20 साल से हम कर रहे हैं, तो आज ये हुआ तो हाँ, मेहनत तो है, बिल्कुल। आप कितने टाइम से लगे हुए हैं सर इसमें? मैं 2003 से लगा हूँ इसमें। अच्छा, 21 साल तो हुई गए, हाँ, 21 साल माइक्रो में तो कम था इसमें, 13 से मैंने किया है। अच्छा, पर यह कि आर्टिस्ट लाइन में तो शुरू से था, आर्टिस्ट लाइन में हाँ, से ही है। मैंने जैसे हाई स्कूल वहाँ से किया, हलचौड़ से, अच्छा, प्राइमरी शिक्षा, इंटर मैंने गांधी स्कूल से किया था, अच्छा, हल्द्वानी से, जी यूजी पीजी हल्द्वानी से हुआ, ठीक है, और मेरठ से चमन स्कूल आर्ट से डिप्लोमा किया फाइन आर्ट, अच्छा, ठीक है, और एक आईजीडी बॉम्बे बरेली से किया था, बॉम्बे आर्ट का होता है ये हुआ। बाकी उसके अलावा यह है कि पेंटिंग हमारे शो होते रहते हैं, नेशनल लेवल पे कैंप वगैरह, वर्कशॉप, एग्जीबिशन वगैरह चलते रहते हैं। चलिए, आप जैसे पेंटिंग वगैरह में आप जाते थे, आप बैंगलोर का भी एक बता रहे थे, आपने वहाँ पे भी करा हुआ है, तो एक कोई घटना बताना चाहेंगे जिससे हमारे लोग थोड़ा मोटिवेट हो सके कि हाँ ये करना चाहिए इस तरीके के काम जो है, कोई आपके जीवन का कोई एक्सपीरियंस हो जो आपको लगे? अभी जैसे वहाँ गए थे, राजस्थान गए थे ना, हाँ, तो वहाँ वर्कशॉप हुई थी हमारी पेंटिंग की, वहाँ बड़ा ही बहुत पब्लिक थी, पूरे ऑल इंडिया लेवल कैंप था, तो वहाँ जो था मेरा सम्मान का था, मुझे उत्तराखंड से सेलेक्ट किया गया था, क्या उत्तराखंड कला रत्न राजस्थान की ओर से, ललित कला अकेडमी और जो वहाँ की NGO है उनकी थ्रो करना था, तो पर मुझे तो खाली पेंटिंग नहीं बनानी थी, क्योंकि मुझे तो खाली ये अवार्ड ही इन्वाइट किया था, पर सब लोग कर रहे थे। अच्छा, अब मेरे अंदर का भी खराब है, मुझे अजीब लगा, नहीं आ रही है हाथ पाँव, मतलब विकलांग अजीब सा लगा, ठीक है, तो मैंने भी पेपर वेपर लेके अपने भी शुरू कर दी पेंटिंग से, वो भी चौक नहीं यार, आपको तो बोला नहीं यार कोई बात नहीं, हाँ, तो मैंने एक पेंटिंग बना डाली पूरी हिमालय सीरीज पे, तो लगाई, तो ये होता है कभी, ठीक है, अंदर के उसको रोकना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है सर, जैसे अगर कोई हमारे और साथी लोग हैं जिनको रिकॉर्ड बनाना है, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं फिर? वो संपर्क कर सकते हैं आप, वो जैसे मेरी मेल आईडी भी है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा, ओके, जी ठीक है, आपका फेसबुक पेज वगैरह कुछ? फेसबुक पेज तो नहीं सर, अभी है, एक्टिव नहीं होता वो। अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल में ही आप, प्रोफाइल में आपका छुपा दिया करके, ठीक है। चलिए सर, आपने बहुत बढ़िया यहाँ पे बताया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है ये रहेगा कि हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड के युवाओं को संदेश दे दूंगा कि भाई आप कम में ही संसाधन में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपके अंदर डिटरमाइन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, आपका संकल्प जो आपके अंदर है ना, कुछ करने का जुनून, आप जहाँ स्टार्ट करेंगे तो जीरो से, हमने भी जीरो से स्टार्ट किया, तो जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको डिटरमाइन है, कुछ संकल्प है,
परिवार के लिए, समाज के लिए मुझे कुछ करना है, अगर ठान लें तो आपको निश्चित कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिससे प्लान भी रुकेगा और हमारे यहाँ की तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने यहाँ पे हमें बहुत कुछ बताया। तो व्यूअर्स, अगर आप भी कुछ रिकॉर्ड बनाना चाहें, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो या और भी जो रिकॉर्ड हो, तो आप सर से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। सर, हम आपको अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप ऐसे ही रिकॉर्ड बनाते रहें। आपने बुलाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।